देख सकते हैं। में और खड़ा हूँ मैंडले स्टेशन के ठीक सामने और जा रहा हूँ यांगोन में, जा रहा हूँ बाय ट्रेन और ये है रेलवे स्टेशन जहाँ से मैं अपना ट्रेन पकड़ूंगा। ट्रेन है जो हमारा वो हमारे सेकंड क्लास एसी की तरह है लेकिन फर्क इतना
बेड है, आप देख सकते हैं। और मेरा कुछ ये है, एक कमरे में दो सीट है। और मैं आपको अब जनरल दिखाता हूँ। यह जनरल कंपार्टमेंट, जनरल कंपार्टमेंट कुछ इस तरह का दिखता है, हमारे देश के रेलवे की तरह ही है। ऑफ कोर्स रेलवे तो एक जैसा ही होगा, ज़्यादा खास तो अंतर होगा नहीं। डिपार्चर टाइम है 4:30 बजे और ट्रेन यंगोन में पहुंचेगी सुबह 10 बजे। ट्रेन का फेयर है 12,500 म्यांमार चैट्स, जो हमारा पड़ता है कह सकते हैं 625 रुपये के आसपास। और 625 रुपये में मुझे यहां पे स्लीपर क्लास मिला है। और ये स्लीपर क्लास यहां का कुछ सेकंड क्लास एसी कंपार्टमेंट की तरह दिखता है, बट एसी नहीं है। ट्रेन का सीट ठीक ठाक है और ट्रेन में एक तकिया दिया गया और एक हल्का फुल्का चादर है, फैन एक है, बेड के पास एक लाइट है, लेकिन एक भी चार्जर नहीं है, चार्जर का पॉइंट एक भी नहीं है। ट्रेन का ये स्लीपर कंपार्टमेंट है अपर क्लास। और ये ट्रेन का बाथरूम, देयर इज नो चार्जर पॉइंट राइट, चार्जिंग पॉइंट, देयर इज नो चार्जिंग पॉइंट राइट, नो चार्जिंग पॉइंट। ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, जो कि मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे नहीं, 5-6 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे मुझे चार्ज करना है, और पावर बैंक बस एक ही है। और मेरा मेमोरी ऑलमोस्ट फुल हो गया था और मेरे पास, मैंने अभी मेमोरी चेंज किया और फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और ये है मेरा कंपार्टमेंट, मैं चाहे ये खिड़की से भी अंदर जा सकता हूँ, बीच में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जल्दी हुआ तो खिड़की से ही कूद जाऊँगा। इस ट्रेन को देखकर यहाँ के कंट्री की हालात पता चलती है, और कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है, वेबसाइट नहीं है, टिकट भी पेन से लीक कर दिए जा रहे हैं, और ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट नहीं है। लेट्स सी, ये भी एक एक्सपीरियंस है, जानने को तो बहुत कुछ मिला, म्यांमार रेलवे का सिस्टम क्या है, कैसा क्या है।